नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 1 मार्च। आज का हमारा सवाल आज की 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज से मोबाइल पर भेजी जाएगी बिजली बिल से संबंधित जानकारी, आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। आज से सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद तेज की जाएगी, जिसके बाद अब आपके बिल से संबंधित सारी जानकारी आपको आपके फोन पर ही मिलेगी, जिससे कि अब बिजली बिल अधिक आने, प्रिंट बिल में समस्या और बिल जमा करने में होने वाली परेशानियों से अब आम नागरिकों को निजात मिल जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली है। एम्स पटना ने सीनियर रेसिडेंट पद के लिए निकाली रिक्तियां। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस पटना ने 4 पदों पर सीनियर रेसिडेंट पद के लिए आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MBBS या MD इन माइक्रोबायोलॉजी का होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 मार्च तक वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदन भर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। सिवान के आनंदबाग और सुंदरबाग मठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सिसवन प्रखंड के बखरी गांव स्थित आनंदबाग व सुंदरबाग मठ के प्रतिवर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को संत मेले का आयोजन किया जाता है। बखरी आनंदबाग में संत शिरोमणि श्री जगन्नाथ दास व सुंदरबाग में बने मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। सभी धर्मों में प्रेम व भाईचारे की सीख एवं योग्य सुविचार व सद्भावना के जरिए लोगों को संस्कारवान बनाने का जो प्रयास संत भगवान दास ने किया। बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए फिल्म ललक को अमेरिका में किया गया सम्मानित। बिहार का नाम यहां के युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भरपूर किया है और इसी क्रम में अब एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है राहुल वर्मा का। बिहार के नवादा जिले के रहने वाले राहुल वर्मा की नई फिल्म ललक को अमेरिका के वॉशिंगटन में हुए सिने फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के खिताब से नवाजा गया है। आपको बता दें यह चयन वोटिंग के आधार पर किया गया था, जहां वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा वोट राहुल वर्मा की शॉर्ट फिल्म ललक को दिया गया। वैद्यनाथ महतो के शरीर को लाया गया जदयू कार्यालय में। जदयू के वाल्मीकि नगर के सांसद वैद्यनाथ महतो का शरीर बीते शनिवार को पटना के जदयू कार्यालय में लाया गया था, जहां उनके शरीर के जदयू प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, RCP सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जदयू के वाल्मीकि नगर सीट से सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने दिल्ली के एक अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया था। जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में गांधी मैदान में देखने को मिलेंगे भारी संख्या में लोग। आज आयोजित होने वाले जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में गांधी मैदान में लोगों की भारी संख्या देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने भी आने जाने वाले लोगों की संख्या का अंदाजा लगाते हुए गांधी मैदान के रास्ते को आम नागरिकों के लिए रोकने का ऐलान किया है। वहीं आपको ये बता दें कि गांधी मैदान का रास्ता सुबह 6 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक बंद रखा जाएगा। वहीं कुछ गाड़ियों को आगे जाने की छूट दी जाएगी। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे विंध्यवासिनी देवी की। मुजफ्फरपुर में जन्मी विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला भी कहा जाता है। मात्र 14 वर्ष की उम्र में शादी के बाद जब वो सन 1945 में पटना आई तो पति ने ही उन्हें संगीत सिखाया और वो गाने लगी, जिसके बाद से वो लोकगीत गाने लगी थी। 1955 में आकाशवाणी केंद्र पटना में लोक संगीत प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हुई तो उन्होंने बिहार की सभी बोलियों पर काम किया। विंध्यवासिनी देवी ने बिहार के सभी लोक भाषाओं पर काम किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी ले गई थी। उनके इस काम के लिए उन्हें 1974 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। जदयू के बाद अब राजद करने जा रहा है प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। जदयू नेताओं को प्रशिक्षण देने के बाद अब बारी राजद की है, जिसके तहत राजद सरकार 14 और 15 मार्च को राजगीर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राजद अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासित बनाने की योजना पर काम करेगी। ज्ञात हो राजद नेता राबड़ी देवी के आवास पर बीते शनिवार को हुए विधानमंडल दल की बैठक के बाद राजद नेता जगदानंद सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। विक्रमशिला महोत्सव की हो गई शुरुआत। बिहार के भागलपुर जिले में बीते शनिवार से विक्रमशिला महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जहां पर सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इस महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। जहां कल इस महोत्सव में जाने माने गायक शब्बीर कुमार ने प्रस्तुति दी थी, वहीं आज इस महोत्सव में भागलपुर अनुमंडल स्तर के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग को फिर से दोहराया। बीते कई सालों से राज्य सरकार के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग की गूंज सुनाई दे रही है, मगर परिणाम अभी भी वहीं के वहीं हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उठाया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र सरकार से सकारात्मक पहल करने की मांग की है। लालू यादव से रांची मिलने पहुंचे वृषिण पटेल। बिहार के पूर्व मंत्री और हम पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वृषिण पटेल रिम्स में रह रहे लालू यादव से मिलने पहुंचे, जहां शनिवार का दिन होने की वजह से कल उनसे मिलने जाने वाले लोगों की उनसे मुलाकात हुई है, जिसके तहत कल वृषिण पटेल के साथ साथ लालू यादव से मिलने कई अन्य अधिकारी भी पहुंचे थे।
गोपालगंज के 118 शिक्षकों को हटाया गया उनके पद से। नियोजित शिक्षकों की मनमानी को देखते हुए प्रशासन ने अब उन पर सख्ती से पेश आने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिहार में गोपालगंज जिले में सड़कों पर उतरे लगभग 118 शिक्षकों को उनके पदभार से मुक्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, DDC ने उन्हें संविदा से भी बाहर करने का ऐलान जारी किया है। प्रशांत किशोर पर ममता बनर्जी हुई मेहरबान। जदयू से निकाले गए प्रशांत किशोर को लेकर कई दिनों से कई तरह की बातें सुनने में आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर के पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर की जा रही है। इसी क्रम में प्रशांत किशोर की राजनीति की शुरुआत बंगाल से होने की अटकलें भी लगाए जा रहे हैं। खबरों की माने तो तृणमूल कांग्रेस प्रशांत किशोर को राज्यसभा में अपने कोटे से भेज सकती है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर जल्द से जल्द फैसला लिया जा सकता है। बिहार के खुर्शीद ने बनाई बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल। सीमावर्ती परसा जिला के विश्रामपुर निवासी खुर्शीद आलम ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक अनोखा आविष्कार किया है, जिसके तहत खुर्शीद ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर मोटरसाइकिल का निर्माण किया है। यह मोटरसाइकिल बैटरी से चलती है। वहीं इसकी रफ्तार की बात करें तो यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लैपटॉप बैटरी से संचालित यह मोटरसाइकिल आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह आए आमने सामने। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का मूड उनके लुक की तरह आए दिन बदलता रहता है। तेज प्रताप यादव का मूड कभी बहुत अच्छा तो कभी बेहद ही खराब मूड में रहता है। इसी क्रम में तेज प्रताप यादव के बदलते मूड के कारण तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच में खींचतान का माहौल जारी है। दरअसल ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब तेज प्रताप यादव ने अपने मन अनुसार अपने एक सदस्य को संसदीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव जारी किया था, जिसको जगदानंद सिंह ने खारिज कर दिया। बैंक कर्मियों ने बैंक बंद के ऐलान को किया रद्द। इसी महीने लगातार 3 दिनों तक बैंक की सेवाओं को बंद रखने के ऐलान को सभी सार्वजनिक बैंक कर्मियों ने वापस ले लिया है, जिसके बाद सभी दुकानदारों से लेकर आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने प्रेस बयान जारी कर बताया है कि IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 15% वेतन वृद्धि के अतिरिक्त विशेष भत्ते के मूल वेतन को जोड़ने हेतु एक छोटी कमेटी के गठन का निर्णय लिया है। दरोगा PT की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की क्लास लगेगी SP ऑफिस में। सभी दरोगा पास अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। भोजपुर SP सुनील कुमार की पहल पर दरोगा बहाली की PT परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की क्लास अब SP ऑफिस में लगेगी। इतना ही नहीं, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें फ्री में कोचिंग भी करवाई जाएगी, जिसके तहत अब सभी अभ्यर्थियों को जाने माने टीचर्स और प्रोफेसर पढ़ाएंगे। बिहार के लोगों से थोड़ा दुखी हैं गिरिराज। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने बिहार के लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बिहार के लोग अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी में बात करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि वो जब भी बाहर जाते हैं बिहार के लोगों को अपनी भाषा छोड़कर स्थानीय भाषा बोलते देखते हैं। अगर आपकी भाषा ही आपकी नहीं रहेगी तो आपकी पहचान कैसे बनेगी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर खास गिफ्ट देने की हो रही है तैयारी। बिहार के मुखिया का आज 17वां जन्मदिन है। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर जदयू चुनावी शंखनाद करेगी। इसके लिए गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा जदयू कार्यकर्ता के शामिल होने की बात कही जा रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को अपने काम का हिसाब देंगे, साथ ही लोगों में आने वाले चुनाव के लिए आशीर्वाद भी मांगेंगे, जिसका आयोजन आज गांधी मैदान में किया जाएगा। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,283 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,390 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.51 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.07 रुपए प्रति लीटर था। आइडिया और वोडाफोन यूजर्स के टैरिफ प्लान्स में हो सकती है 7 गुना बढ़ोतरी। वोडाफोन और आइडिया ने हाल ही में अपनी कंपनी चलाने के लिए टैरिफ प्लान्स में इजाफा करने का ऐलान किया है, जिसके तहत भारतीय टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में वोडाफोन आइडिया ने ट्राई से अनुरोध किया है कि मिनिमम टैरिफ को 35 रुपए प्रति 1 GB कर दिया जाए। ये रेट मौजूदा डेटा टैरिफ के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। फिलहाल 1 GB मोबाइल डेटा के लिए लगभग 4 से 5 रुपए देने होते हैं। चिराग पासवान की फिल्म का नया टीजर आया सामने। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार की राजनीति के एक दमदार चेहरा माने जाते हैं। वहीं चिराग के अभिनय में रुचि भी किसी से छुपी नहीं है। इसी क्रम में उनकी एक नई फिल्म नया बिहार युवा बिहार जल्द ही पर्दे पर आने वाला है, जिसकी हाल ही में टीजर रिलीज की गई है, जिसमें चिराग पासवान कुछ लिखते दिखाई दे रहे हैं।
भारतीय महिला टीम ने अपने नाम दर्ज की चौथी जीत। भारतीय महिला टीम इन दोनों T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम करने की होड़ में जुटी हुई है। इसी क्रम में कल श्रीलंका के साथ खेले गए मैच में भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को 113 रन पर समेटते हुए अपनी पारी में 3 विकेट को खोकर 116 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की है। वहीं खेले गए इस मैच में शेफाली ने एक बार फिर से शानदार पारी खेलते हुए 34 गेंदों में 47 रन का बेहतरीन पारी खेला है और भारतीय टीम की जीत में एक बार फिर से अहम भूमिका निभाई है। गूगल ने डूडल के जरिए सेलिब्रेट किया लीप डे। गूगल हर बार किसी खास दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए डूडल का इस्तेमाल करता है। इसी क्रम में गूगल ने एक बार फिर से लीप डे को सेलिब्रेट करने के लिए डूडल का इस्तेमाल किया था। 4 साल में एक बार आने वाला दिन को ध्यान में रखते हुए गूगल ने इस खास तरीके का डूडल बनवाया था, जहां पर गूगल ने स्पेलिंग में 28, 29 और 1 तारीख का जिक्र किया था। तो अब चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे सही मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, छपरा, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के आसार है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है जितेंद्र कुमार आर्या, रंजीत कुमार, विनोद कुमार, गंगापाल, ब्रजकिशोर कुमार, संतोष कुमार, अमित कुमार, शंकर यादव, विकी कुमार, पीयूष सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग कितनी सही है कितनी नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।